दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है लुधियाना वूलन सेल। अब आप सोच रहे होंगे आज मैं इस वूलन सेल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में या किसी मार्केट में जा रहे हैं और खासतौर से शॉपिंग करने के लिए, और उस दौरान अगर हमें एक ऐसा बोर्ड दिख जाए जिस पर लिखा हो सेल, तो हमारी खुशी ऑटोमेटिकली 100 गुना बढ़ जाती है। और अगर सेल के नाम पर हमें बढ़िया से बढ़िया महंगे महंगे ब्रांड मिल जाए, वो भी 80% 90% डिस्काउंट में, तो ऐसे लगता है कि भैया आज तो लॉटरी लग गई है, आज पूरा बाजार ही लूट लेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गुड़गांव के सेक्टर 83 में, जहाँ पे ये मॉल है स्पायर करके, ये मॉल है। इस मॉल के अंदर लुधियाना वूलन सेल एक लगी हुई थी, और इस वूलन सेल में खास बात ये थी कि बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड यहाँ कोड़ियों के भाव मिल रहे थे। एलन सोली जैसे महंगा ब्रांड, जिसकी नॉर्मली एक शर्ट भी आप लेने जाओ तो 3,000-4,000 से नीचे की नहीं मिलती, उसके शर्ट जैकेटें जीन्स यहाँ पे कूड़े के भाव मिल रहे थे, 80% 90% डिस्काउंट में मिल रहे थे, जो अपने आप में एक हैरानी की बात थी। खैर, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस कंपनी के बारे में, और हमने पहले भी कई इनकी खबर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ठेका ले रखा है और एक बीड़ा उठाया हुआ है अपराधियों को जेल तक पहुँचाने का। क्या पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों गुड़गांव के सेक्टर 83 में स्पायर मॉल है, जिसके अंदर लुधियाना वूलन सेल करके एक सेल लगी हुई थी, जहाँ पे एलन सोली जैसे बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़े बिक रहे थे, वो भी कोड़ियों के भाव। ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक इनके एक कर्मचारी को पता चला कि यहाँ पे एक सेल लग रही है जहाँ पे एलन सोली के कपड़े कूड़े के भाव मिल रहे हैं। इन्होंने जब वहाँ जाके तफ्तीश की तो पता चला कि ओरिजिनल के नाम पे नकली एलन सोली के कपड़े यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्ति ने एक पीस वहाँ से खरीदा, बकायदा सैंपल लिया और उसकी जांच कराई, और जांच कराई तो पता चला कि वो नकली है। उसके बाद उनकी बकायदा जो ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं एडवोकेट धीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम की जो पुलिस है उनसे संपर्क किया, और उसके बाद बकायदा पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर एक रेड मारी। रेड के अंदर लाखों रुपए का नकली सामान यहाँ पकड़ा गया, और जिसको पुलिस ने बकायदा पूरा जब्त किया सारे माल को, और उसके बाद जो अपराधी लोग थे जो इस सेल को चला रहे थे इन लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा है। दोस्तों जैसे कि हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो नकली सामान बनाते हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी नकली सामान बनाता हो, उनके ये लोग पकड़ते हैं और बाकायदा इनको जेल के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मेरे और हिंदुस्तान के हर एक आम आदमी के भले का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आप हम जैसे लोग जो इतनी अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से जब कोई सामान खरीदते हैं और पता चलता है वो नकली है, असली का पैसा लेके नकली माल अगर मिल जाए तो वो सबसे बड़ा अपराध है। एक व्यक्ति की मेहनत की कमाई अगर इस तरीके से कूड़े में चले जाए तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और ब्रांड प्रोटेक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर है धीरेंद्र सिंह जी, एडवोकेट धीरेंद्र सिंह जी, ये इसी प्रकार के अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं और बहुत सारे लोगों के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा भी चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के धांधलेबाज लोगों से आप बचें, आपके घर परिवार के लोग ऐसी सेलों में ना जाएं और उनके षड्यंत्र में ना फंसें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एडवोकेट धीरेंद्र सिंह जी के बारे में, जो इस तरह का जोखिम भरा काम कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं और आम जनता के पैसे को बचाने के लिए, उनको इस तरह के फ्रॉडियों से बचाने के लिए इतना जोखिम उठा रहे हैं, इनके बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।